वो किले जिन पर शिवाजी महाराज का कब्जा था। दोस्तों, इस दुनिया में अनेकों युद्ध हुए। ये जमीन बख्तरबंदों, तलवारों, जंजीरों की खनक, तोप के गोलों की आवाजों से लरजती रही। कितने राजा महाराजा बादशाह आए और चले गए, मगर इनके बनवाए वो महल जो किले आज भी समय की आंधियों और समय के थपेड़ों में एक कहानी सी कहते हुए सलामत खड़े हैं। आज हम छत्रपति शिवाजी के जीवन से जुड़े किलों की बात करने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज फोर्ट, तोरना फोर्ट, तोरना किला। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरना का किला जीता था, जिसे प्रचंड गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी किशोर अवस्था से जुड़ा ऐतिहासिक किला है। सिंहगढ़ किला। ये किला अपने आप में बहुत सी कहानियां समेटे हुए बैठा है। इस किले को 2000 साल पहले बनवाया गया था। इसे पहाड़ी किले के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसे देखने जाए तो ये किला पुणे लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। मुगलों के खिलाफ लड़ाई के दौरान तानाजी मालूसारे की मौत हो गई थी। इस घटना से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए थे। इसी गम में उन्होंने एक आह्वान की सूरत में कहा था, गार्ड आला पण सिंह गेला। ये मराठा इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। राजगढ़ फोर्ट, राजगढ़ का किला। ये आकर्षक किला राजगढ़ की जमीन पर अपनी अनमोल धरोहर की दास्तां कहते हुए खड़ा है। ये भारत के पुणे में एक पहाड़ी किला कहलाता है। किसी समय इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी के लगभग 26 साल यहां गुजारे हैं, इसलिए उनके जीवन की कहानी कहते समय यह किला अपनी अहमियत दर्ज करवाता है। शिवनेरी किला। दोस्तों, राजगढ़ में मौजूद शिवनेरी किला शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है, इसलिए भी ये किला महत्वपूर्ण है। इसमें एक पवित्र स्थान है जो मंदिर की सूरत में मौजूद है। इसमें देवी शिवाई की आराधना होती थी। इन्हीं देवी के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पड़ा था। ये 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। विजय दुर्ग किला। शिवाजी महाराज ने जितने भी किलों पर कब्जा किया या निर्माण करवाया, वो किले सुरक्षा दृष्टि के अंतर्गत आते थे। विजय दुर्ग किला भी इसी नजरिए का था। ये सिंधु दुर्ग तट पर सबसे पुराना और मजबूत किला है। यह किला खूबसूरत होने के साथ साथ अभेद्य समुद्र किला कहलाता है। आपको बता दें कि जब शिवाजी महाराज ने इस विजय दुर्ग किले पर कब्जा किया था, तो इसे उनकी सबसे बड़ी जीत माना गया था। रायगढ़ किला। यह किला भी महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत अहमियत रखता है। इसी किले में शिवाजी महाराज का शाही राज्य अभिषेक मराठा साम्राज्य के आधिकारिक राजा के रूप में हुआ, और इसी किले में शिवाजी महाराज ने आखिरी सांस ली। लोहगढ़ किला। लोहगढ़ का किला एक प्रसिद्ध किला है। ये कई पहाड़ी किलों में से एक है। ये पुणे से 52 किलोमीटर दूर स्थित है। लोहगढ़ का किला समुद्र तल से 1033 मीटर ऊंचा है। इसी किले में शिवाजी महाराज युद्ध की रणनीति तैयार किया करते थे। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज ने इस किले पर 2 बार जीत हासिल की थी। सिंधुदुर्ग किला। ये किला मराठा साम्राज्य का एक ताकतवर किला कहलाता है। समुद्र पर बसा ये किला अपना अद्भुत आकर्षण रखता है। इसे देखने के लिए गर्मी की छुट्टियों में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जमा होती है। प्रतापगढ़ किला। प्रतापगढ़ किला शिवाजी महाराज और अफजल खां की लड़ाई का गवाह है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये एक यादगार किला है। ये महाराष्ट्र के सातारा जिले में मौजूद है। बाहर से आने वाले सैलानी इस किले में अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं। ये काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप इतिहास प्रेमी हैं? आप बताइए इतिहास की किस बात पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। आपके विचारों और आइडियाज का स्वागत है। हम कोशिश करेंगे आपके विषय पर ही वीडियो बनाने की। जय हिंद, वंदे मातरम।